दरगाह के अड्डे को ताला मार के और उसके आदमी को बंद करने की हिम्मत तूने कैसे की बच्चे? ये ज्वाला साहब का हुक्म था कारगा, चला जाए यहां से। अगर ज्वाला साहब को पता चला कि तू पुलिस स्टेशन आया था तो तुझे भी उठाकर बंद कर देंगे। क्यों मजाक कर रहा है बच्चे? मजाक कभी कभी अच्छा लगता है, हर वक्त नहीं। ज्वाला जैसे कितने आए और कितने गए, मेरे आदमी को ले जा और मेरे अड्डे पे जाके छोड़ दे, वहां तुझे बिल्ला मिलेगा, उससे अपना हफ्ता ले लेना। समझ गया ना बच्चे? चल छोड़ा उसे। एक बात कान खोलकर सुन ले कारगा, ना तो तेरा आदमी छूटेगा और ना ही तेरे अड्डे का ताला खुलेगा, समझे? तो ठीक है, जब तक मेरा अड्डा नहीं खुलेगा कारगा इसी पुलिस स्टेशन में बैठ के शराब पिएगा। इधर, कारगा किसी मंत्री से कम नहीं है, फोन करके आता फिर मिलता। उस इंस्पेक्टर ने भेजा होगा तुझे, आने से पहले पूछ तो लिया होता कि कारगा के तमाचे में कितना दम है। वर्दी को खेल और कानून को रखेल समझने वालों को ज्वाला मारता नहीं, मार देता है। तुम जानते हो तुमने कारगा को मारकर कितनी शर्मनाक हरकत की है? मैंने कोई शर्मनाक हरकत नहीं की है सर। कारगा ने पुलिस स्टेशन में घुसकर हमारे एक ऑफिसर को तमाचा मारा था। तो फिर तुम में और कारगा में फर्क क्या हुआ? फर्क होना भी नहीं चाहिए सर। हम पुलिस वालों को मौत से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, कारगा जैसे खतरनाक मुजरिमों से निपटने के लिए। मैं कोई सफाई देना नहीं चाहता सर। मैं कारगा को मारने की प्लानिंग से गया था और उसे मार दिया। ज्वाला सिंह, इस हरकत के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड भी कर सकता हूं। आप तकलीफ मत उठाइए सर, ऐसे माहौल में मैं खुद नहीं काम करना चाहता। मैं रिजाइन करता हूं और ये सब आपकी मर्जी के मुताबिक चलने वाले किसी ऑफिसर को दे दीजिएगा, ताकि वो कारगा जैसे लोगों के तमाचे खा सके और ये साबित कर सके कि पुलिस बुस्तिल है, डरपोक है। उसके बाद में डिपार्टमेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ। ज्वाला सिंह को बुलाने की बहुत कोशिश की गई मगर ज्वाला सिंह लौट कर नहीं आया। कहां है वो आजकल? गुड शॉट पापा। ए, खाने पे कम
निशाने पे ध्यान दे, देख। ए, पागल हो गई है? अगर गोली तुझे लग जाती तो क्या फर्क पड़ता है? जो तुम पर मर मिटी हो उसे गोली क्या मार सकती है? वाह क्या बात है। चुप। कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसी ही बातें पसंद है। हाँ पापा बात में दम है। फिर बोला तू, जाओ अंदर जाओ। जिसे बाहर खेलना चाहिए उसे अंदर भेज रहे हो, और जिसे अंदर रहना चाहिए वो कब से बाहर खड़ी हुई है। क्या मतलब? हर बात का गलत मतलब क्यों लेते हो यार? मैं तो शादी के बाद की बात कर रही हूँ। पंडित को फोन करूँ? चुप। मतलब मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए हर वक्त मुझे मजबूर मत किया करो। क्या मैं तुम्हें मजबूर कर रही हूँ? अरे मजबूर तो मैं खुद हूँ, जो कुंवारी होते हुए भी एक बच्चे के बाप के पीछे पड़ी हुई हूँ। अरे मैं दिल से मजबूर हूँ, दिल से, वरना एक से एक लड़के हैं जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। हाँ पापा, दो लड़कों को तो मैं जानता हूँ। बकवास बंद कर। किसी लड़के का हाथ पकड़ो और निकल लो यहाँ से। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ना मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना तुमसे शादी करूंगा, समझी? आप भी समझ लो पापा, इससे अच्छी मम्मी मुझे नहीं मिल सकती। चलो।